भाभी माँ आपका क्या विचार है? हाँ आज हाँ लक्ष्मण, आस पास में फलों का पेड़ भी है, मुझे लगता है पास में झरना भी होगा। स्वामी आपका क्या उद्देश्य है? अगर आप दोनों को भी यह जगह अच्छी लग रही है तो चलिए हम यहीं पे कुटिया बना लेते हैं। चलो लक्ष्मण, हम वंशे को सूखे पत्ते और पफलंदिया देकर आते हैं। आप भी आइए। आइए लक्ष्मण ने एक अच्छी सी कुटिया बना ली और उस कुटिया में वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। पर एक दिन दुष्ट रावण की नजर सीता पर पड़ी और उसे सीता को पाने की अभिलाषा करने ठान ली। कितनी सुंदर है ये स्त्री और कितना सुंदर, कितनी कोमल इसकी सुंदरता और मधुर इसकी आवाज। इस स्त्री को कौन नहीं पाना चाहेगा? ये स्त्री तो राजा राम की पत्नी है, पर मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और मैं इसे अपना बनाऊंगा। पर अभी नहीं, अभी राम और लक्ष्मण दोनों साथ में हैं। जब वे लोग वन में चले जाएंगे तब मैं इसे लेके जाऊंगा। और पता है बच्चों आगे क्या हुआ? वो रावण वहाँ अपने एक राक्षस को एक सुंदर हिरण बनाकर भेजता है क्योंकि उसे सीता का हरण करना होता है। हरण मतलब क्या आपको पता है बच्चों? वो सीता को अपने साथ ले जाना चाहता है, इसलिए वह अपने एक राक्षस को वन में भेजता है। देवी मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। नहीं